हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनेस्ट रिव्यूज़। और आज मैं रिव्यू करूंगा छिछोरे मूवी का। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि प्लीज़ 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 मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, वहाँ जो बेल आइकन है उसको ज़ोर से दबाओ, ज़ोर से। और कुछ कहना है तो कमेंट करो, कोई क्वेश्चन भी कर सकते हो। और वीडियो देख के बिना लाइक दिए मत जाना भाई, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक दे देना भाई। तो यार, पिछले हफ्ते साहो देख के जो मेरा शरीर में घाटा हुआ उसको मैंने पूरा किया आज छिछोरे देख के। तो छिछोरे मूवी डायरेक्ट की है नितेश तिवारी ने, और आप लोग जानते ही है सुशांत सिंह राजपूत, श्रद्धा कपूर, वरुण शर्मा, इन सब एक्टरों ने यहाँ पर एक्टिंग की है। तो आइए शुरू करते हैं इसका रिव्यू। स्टोरी बेस्ड है बॉम्बे आईआईटी के 90s के स्टूडेंट के ऊपर, जिनको एक ट्रेजेडी, जो कि मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि एक स्पॉइलर फ्री वीडियो है, वो ट्रेजेडी उनको एक साथ फिर से मिलाती है बहुत सालों के बाद। और उस ट्रेजेडी की वजह से वो उनके वो रंगीन कॉलेज लाइफ के बॉम्बे आईआईटी के यादों को फिर से याद करते हैं। और इस तरह से ही स्टोरी पास्ट टू प्रेजेंट चलती जाती है। और ये स्टोरी समवेयर और नॉट प्रिडिक्टेबल है। तो डायरेक्टर नितेश तिवारी ने इस स्टोरी को इतनी अच्छी तरह दिखाया कि ये प्रिडिक्टेबल होने के बावजूद भी बहुत ही शानदार लगती है, दिल को छू जाती है। और फ्रेंडशिप को बहुत ही अच्छी तरह दिखाया जाता है इस फिल्म में। नितेश तिवारी ने दिखा दिया कि उन्होंने दंगल डायरेक्ट की थी। बहुत ही अच्छी डायरेक्शन और यूनिक तरफ की स्टोरी थी ये। और डायरेक्टर ने इस स्टोरी को रिस्पेक्टिवली बहुत ही अच्छी तरह पर्दे पे दिखाया है। फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है नितेश तिवारी, पीयूष गुप्ता और निखिल मेहरोत्रा ने। और फिल्म की स्क्रिप्ट माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया है, मतलब जितना कहा जाए उतना कम। स्क्रिप्ट में सभी एक्टरों को अपना स्क्रीन टाइम बहुत ही अच्छा मिला है, सभी को कुछ ना कुछ दिखाने के लिए बग दिया गया है। और स्क्रीन प्ले दिल को छू जाती है, पास्ट और प्रेजेंट की स्टोरी को बहुत ही अच्छी तरह रिलेट करती है। और ये एक मैं कहूँगा कि अवार्ड विनिंग स्क्रीन प्ले है, जो कि बहुत सारे अवार्ड में नॉमिनेट होंगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और फिल्म के डायलॉग्स की बात करें तो डायलॉग्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही फनी है, बहुत इमोशनल डायलॉग्स भी है, पर ज़्यादातर फ़नी डायलॉग्स है, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं क्योंकि ये फिल्म बेस्ड है कॉलेज लाइफ के ऊपर। तो कॉलेज लाइफ जैसा होता है वैसा ही एक रियलिटी स्क्रिप्ट पे और डायलॉग्स पे दिखाया जाता है, एक फ़नी स्क्रिप्ट और फ़नी डायलॉग्स। फिल्म में लीड रोल प्ले किया है सुशांत सिंह राजपूत ने, और यार क्या एक्टर बन गया है ये, सोनचिरिया के बाद तो मेथड एक्टर ही बन गया है ये। इन्होंने रोल प्ले किया है एनी का, यानी अनिरुद्ध। बहुत ही अच्छी अवार्ड विनिंग, बहुत सारे अवार्ड में नॉमिनेशन मिलेंगी पक्का। और लीड रोल में इनके गर्लफ्रेंड और फ्यूचर में जाके इनकी डिवोर्स्ड वाइफ का रोल प्ले किया है श्रद्धा कपूर ने, जिनका नाम फिल्म में है माया। और इन्होंने ठीक ठाक एक्टिंग किया है, चलता है। और फिल्म में है वरुण शर्मा, यार इसने तो हंसा हंसा के पागल कर दिया यार, बहुत ही बढ़िया एक्टिंग, वन ऑफ द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टिंग्स ऑफ दिस ईयर। और इसकी एक्टिंग देखते देखते एक्साइटमेंट में मैंने एक मल्टीप्लेक्स हॉल का जो सीट है वो तोड़ दिया, और ये मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने एक सीट तोड़ दिया और मैं फिल्म देखने का भाग के हॉल से बाहर निकला। और फिल्म में और एक्टिंग की है तहीर राज बिसिन ने, जिन्होंने प्ले किया है डेरेक का रोल, बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने भी। और AIB से यहाँ पर आए नवीन पॉली शेट्टी, जिन्होंने एसिड का रोल प्ले किया है, उन्होंने भी अच्छा काम किया। एसिड के रोल के बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये रोल है एक लड़का जो बहुत ज़्यादा गाली देता है। तो यहाँ पर आते हैं हम सेंसर बोर्ड की तरफ। मैं ये टॉपिक इसीलिए ले आया हूँ क्योंकि गालियों को म्यूट कर दिया गया है। मेरा मतलब क्यों भाई, क्या कॉलेज में, स्कूल में, अच्छा स्कूल छोड़ो, कॉलेज की फिल्म है तो कॉलेज में तो 90% लड़के लड़कियां गाली देते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। पता नहीं सेंसर बोर्ड ये क्या सोचते हैं, मतलब ये ऐसे फिल्मों के सीन को, ये गालियों को काटते हैं, जैसे कि इनको इन्होंने कॉलेज लाइफ में गाली ही नहीं दी। अरे रियलिटी दिखा रहे हैं, दिखाने तो घूमटा पहन के घूमते थे शायद कॉलेज में ये सब सेंसर बोर्ड के।
सारे। अरे इनको तो शायद सलून में काम करना चाहिए था, सलून में बाल काटना चाहिए था, वहाँ भी थप्पड़ खा के आते साले। फिल्म के और एक्टर्स में से है तुषार पांडे, जिन्होंने मम्मी का रोल प्ले किया है, और ये मम्मी इनका असली नाम नहीं है, ये निकनेम है क्योंकि ये मम्मी मम्मी करता रहता है। इनका फिल्म में नाम है सुंदर, और है सहर्ष कुमार शुक्ला, जिनका भी एक निकनेम है बेवड़ा फिल्म में, और इन्होंने बहुत ही अच्छी, इन दोनों ने ही बहुत अच्छी एक्टिंग की, खास करके सहर्ष ने बहुत ही बढ़िया काम किया है फिल्म में। और यहाँ मैं स्पेशली बात करना चाहूँगा प्रतीक बब्बर की, जिन्होंने रैगी का रोल प्ले किया है। रैगी है एक एज थ्री हॉस्टल का स्टूडेंट, और ये एक नेगेटिव कैरेक्टर है, और मैं तारीफ इसलिए करूँगा इनकी क्योंकि प्रतीक ने ये एक्टिंग अगर अच्छी तरह नहीं किया होता तो फिल्म उतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इनकी वजह से बाकी एक्टर्स के जो पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं, जिनके जिन पे आपका दिल लगा रहेगा, उनके कैरेक्टर उभर के आते हैं इनकी इनकी नेगेटिविटी की वजह से। और फिल्म में एक स्पेशल मेंशन करूँगा मैं रंजन राज का, जिनको आप जानते होंगे कोटा फैक्ट्री से, उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया शानदार और फनी रोल प्ले किया है, जो कि मैं बताऊँगा नहीं स्पॉयलर, फिल्म जब जाके आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। फिल्म में और भी छोटे छोटे किरदार हैं, सभी ने बहुत ही अच्छी काम की, सभी को स्क्रीन प्रेजेंस मिली, फिल्म की कास्टिंग और एक्टिंग बहुत ही बढ़िया थी। फिल्म का म्यूज़िक दिया है प्रीतम ने, जो कि ठीक ठाक है, रिलेटेबल है फिल्म से, पर एक सॉन्ग स्पेशली बहुत ही अच्छा है, जो कि जिसका नाम है कंट्रोल। ये भी ये बहुत ही फनी रहेगा ये सॉन्ग, जब आप प्ले होते देखोगे स्क्रीन में सीन्स के साथ, बहुत ही हंसी आएगी आप लोगों को। और है फिल्म के बैकग्राउंड म्यूज़िक, जो कि अच्छी है। फिल्म के मेकअप को मैं स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट पास्ट का जो सीन था, वहाँ पर सारे एक्टर्स जो कि बाद में 40 के ऊपर के थे, उनके उनको जो मेकअप दिया गया है, जो प्रोस्थेटिक्स यूज़ किया गया है, सच में लगता है कि हाँ ये लोग अभी एज्ड है, इनका एज दिख रहा है। अरे ये क्या है, ये हटाओ। अरे यार हाँ, तो मैं जो बता रहा था यार, ऐसी होती है फिल्में। 70 करोड़ की फिल्म थी, 70 करोड़ बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है, जैसी जैसी आजकल फिल्में बन रही है, फालतू की फिल्में 350 करोड़ रुपये बन रही है, तो ये 70 करोड़ की फिल्म में इतनी अच्छी प्रोस्थेटिक्स, तो मैं कहना चाहता हूँ कि भारत में, भारत जो फिल्म थी 200 करोड़ की फिल्म थी, वहाँ पर सलमान भाई आप प्रोस्थेटिक्स यूज़ नहीं कर सकते थे? यानी देखो दोनों में फ़र्क देखो, एक लग रहा है कि ग्लू से दाढ़ी लगा दिया है किसी ने और बालों पे कलर कर दिया है, अरे थोड़ा प्रोस्थेटिक यूज़ कर लेते, इतनी 200 करोड़ की तो टट्टी बनाई है, मतलब कुछ भी। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी बहुत ही अच्छी है, एडिटिंग भी अच्छी है, और प्रोडक्शन डिज़ाइन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी फिल्म में, तो कुल मिला के सब कुछ अच्छा ही था। तो अब आते हैं कॉन्क्लूशन में। फिल्म के आखिर में आपको एक सोशल मैसेज मिलेगा, और फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट करती है फ्रेंडशिप को, स्पेसिफाई करती है फ्रेंडशिप को, और फ्रेंडशिप को ही एक मैसेज देती है। तो मैं कहूँगा कि आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ जाए इस फिल्म को देखने, जो स्कूल में है, कॉलेज में जाने वाले हैं, जो कॉलेज के लड़के हैं या फिर लड़के लड़कियाँ हैं, या फिर जो भी अपने कॉलेज के लाइफ को मिस करते हैं, वो सभी इस फिल्म को देखने जाए, बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है। मैं इस फिल्म को दूंगा 5 में से 4 स्टार्स।